कानून के हिसाब से सब बराबर हैं, सब पे एक तरह का कानून होगा, लेकिन प्रशासन की नज़र में सब लोग एक नहीं है। तो प्रशासन किसी को एक दिन में गिरफ्तार कर लेती है, किसी को खुला छोड़ देती है, किसी को पुलिस प्रोटेक्शन देती है। तो जिस तरीके से काम कर रही हूँ, लग रहा है मनुस्मृति के हिसाब से सरकार काम कर रही है, कोई संविधान के हिसाब से नहीं कर रही है। न्याय मांगने ना, जब तिस्ता गिरफ्तार हो सकती है, हम लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, तो भारत में आम जनता है क्या हाल होगा, ये सोचिए। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है, 2002 दंगे हुए थे उसी के चलते, जिस तरीके से यहाँ पर आरपी कुमार थे उनके ऊपर तेस्ता हो लगातार मुकदमे दर्ज कर दिए गए। हमारे साथ रतन लाल जी हैं जिनके ऊपर लगातार उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज कर दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा। तो सर, किस तरीके से देखते हैं ये सब? क्या है, सरकार जो है अब संविधान के हिसाब से क्या, जिसको मर्जी है पकड़ के जेल में डाल दो, जो उनके खिलाफ बोले, जो उनकी समीक्षा करे, जो आलोचना करे, सब सरकार की नज़र में उनके शत्रु हैं। ये सरकार जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसके हिसाब से काम नहीं कर रही। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है कि कानून के हिसाब से सब बराबर हैं, सब पे एक तरह का कानून होगा, लेकिन प्रशासन की नज़र में सब लोग एक नहीं है। तो प्रशासन किसी को एक दिन में गिरफ्तार कर लेती है, किसी को खुला छोड़ देती है, किसी को पुलिस प्रोटेक्शन देती है। तो जिस तरीके से काम कर रही हूँ, लग रहा है मनुस्मृति के हिसाब से सरकार काम कर रही है, कोई संविधान के हिसाब से नहीं कर रही है। न्यायिक जुडिशरी सिस्टम जो है उसको कोई मॉनिटर कर रहा है क्या, आप कहना चाहते हैं? अब देख लीजिए, जैसे जजमेंट आ रहे हैं उससे आपको पता लग जाएगा कोई मॉनिटर कर रहा है नहीं कर रहा है। ये तो जो जिस तरह की उसकी समीक्षा होगी, अभी पढ़ूंगा, ऑर्डर पढ़ूंगा, देखूंगा और पिछला क्या हिस्ट्री है तब बताऊंगा। लेकिन पुलिस जो ऑब्जर्वेशन जो है उसके हिसाब से तुरंत जो है गिरफ्तारी, ये कहाँ तक न्याय संगत है? इसका मतलब कि आप जो है कह रहे हैं कि आप न्याय मांगने ना, जब तिस्ता गिरफ्तार हो सकती है, हम लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, तो भारत में आम जनता है क्या हाल होगा, ये सोचिए। डर के मारे बोलिए नहीं, आप कोर्ट मत जाइए। मतलब कोर्ट जाना, कानूनी प्रक्रिया लंबी चली, इसके लिए तिस्ता से तलवार क्या क्रिमिनल, उसको गिरफ्तारी हो जाती है? तो ये सरकार के नियत पे सवाल खड़े करता है। शुक्रिया रतन लाल जी से हमने बात की, एक दो सवाल जाने, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो जवाब सवाल कर चुके थे, लेकिन उसी के चलते जो है एक दो सवाल हमने उनसे जाने। किस तरीके से जुडिशरी सिस्टम काम कर रहा है, लगातार जो हक अधिकार की बात करता है उनके ऊपर किस तरीके से शिकंजा कस दिया जाता है ताकि वो अपनी आवाज़ को बुलंद ना कर सके, उसी के चलते यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा था। इसी तरीके से देखते रहिए जनित आवाज़। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, चंत्र मंत्र, दिल्ली।